होने जा रहा है गुलदस्ता। सर्वप्रथम नृत्यों की श्रृंखला में कथक नृत्य शैली में आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है नृत्य नाटिका हेमंत ऋतु। इस सांगीतिक नृत्य नाटिका की परिकल्पना, काव्य रचना एवं स्वर रचना की है आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर श्रुति सदोलीकर पाटकर जी ने। मंच पर प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं के नाम इस प्रकार हैं: हिमांशु शुक्ला कृष्ण की भूमिका में, अंशिमा चौधरी राधा की भूमिका में, गोपियों की भूमिका में सिद्धि अग्रवाल, वर्तिका दुबे, दिव्या सिंह, अंशिका कटारिया, मुस्कान भामा एवं कनक कुलश्रेष्ठ। संगत करने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: गायन पर हैं मोहम्मद रियाज खान एवं श्री अंकित सिंह, तबले पर हैं श्री भरत कुमार मिश्र, बांसुरी पर श्री रवि राज शंकर, सारंगी पर मोहम्मद जीशान अब्बास, ऑर्गन पर श्री कृष्ण कुमार मौर्य और नृत्य निर्देशन है डॉक्टर रुचि करियानी ने। आप सभी के से अनुमति चाहती हूँ थोड़ी कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत करने जा रही हूँ नृत्य नाटिका हेमंत ऋतु। हरियाली छाई है, सारस पक्षियों का कलरव आसमान में गूंज रहा है, परंतु अब तालाबों में कमल खिल नहीं रहे हैं। ऐसे में पानी में प्रतिबिंबित चंद्र भी कमल प्रतीत होता है। नव दंपति के प्रेममयी सुख में रत होने से युवतियों के शरीर पर सुख के रोमांच उठते हैं। नव पल्लव पर ओस के बिंदु मोती के समान चमकते हैं। नायिका अपनी सखी से कहती है, हे सखी, मेरे पिया परदेश गई है। हिरण के ना होने से जिस प्रकार हिरणी संभ्रमित होती है, वैसे ही मैं भी संभ्रमित एवं दुखी हूँ। मेरी व्यथा मेरे पति तुम कब सुनोगे, मेरे प्राण प्रिय अब आ जाओ। प्रिय के आगमन के पश्चात नायिकाएं हर्षोल्लास से नृत्य करती है। तो लीजिए प्रस्तुत है नृत्य नाटिका हेमंत ऋतु।
कमल बिना सरो
कितना 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 कितना